हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मैं कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ कि हम घर पर कैसे अपनी वॉशिंग मशीन की सफाई कर सकते हैं जब वो हमें तंग करने लगे, जिस तरफ की हम कपड़े वॉश करते हैं कभी कभी पानी नहीं निकलता है, इतना स्लो हो जाता है पानी, तो हम उसे अंदर से खोलकर कैसे उसकी सफाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज यही काम करने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसका जो अंदर का पेज होता है वो मैंने खोल दिया है। अब ये चकरा उठाऊंगी मैं, ये ऐसे निकाल लूँगी इसको, फिर इस अंदर की सफाई करूँगी मैं। तो ये मैंने इसका चकरा जो है वो निकाल लिया है। तो ये देखिए कितनी गंदी हो गई थी। तो इसके बीच ना कुछ जहाँ से पानी निकलता है कुछ फंस चुका है, तो मुझे ये बहुत परेशानी हो रही थी। ये देखिए ये निकला है, पता नहीं क्या है, ये बटन है क्या है, तो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। जब हम मैकेनिक को बुलाते वो तो बहुत पैसे ले लेता है, मैं तो ऐसे ही घर पर साफ कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसे हारपिक के साथ साफ कर लेती हूँ, तो जब मैंने हारपिक की बोतल देखी तो वो खाली थी, नहीं था उसमें, तो फिर मैंने ऐसे ही इस ब्रश के साथ अच्छी तरह साफ कर लिया है। तो एकदम अब भाग भाग कर पानी जा रहा है, अब कोई तंगी नहीं है, तो अच्छी तरह से मैं इसे साफ कर लूँगी। तो फिर मैं इसे साफ करके दोबारा से इसका जो बीच का चकरा जहाँ होता है ना वो मैं लगा दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था नीचे से, फिर मैंने इसे ऐसे फिट कर दूँगी इसे। ये मेरा चकरा भी है जो बदलने वाला ही है, ये देखो साइडों से टूट चुका है, काफ़ी पुरानी है मेरी वॉशिंग मशीन। तो ये मैंने पेच डाल दिया है, अच्छे से मैं इसको पेच कस से कस दूंगी, फिर मैं इसका ऊपर का जो छोटा सा ढक्कन होता है वो लगा दूंगी। तो अब मेरी मशीन एकदम साफ हो चुकी है बीच से। आप भी जरूर ऐसे सफाई करना, मैकेनिक को मत बुलाना। गाइस, दोपहर का टाइम हो गया है, अभी बच्चे गए हैं खेलने, तो मैं बच्चों को ना सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ अप्पे। ये है अप्पा कढ़ाही, जब तक वो आते हैं तो मैं ना सामान तैयार कर लेती हूँ। मैं सूजी के अप्पे बनाऊंगी, तो एक कौली डालूंगी मैं सूजी और एक कौली डालूंगी मैं दही। तो ये देखिए एक कौली के करीब मैंने सूजी डाल ली है, सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और ये है हरा धनिया। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी और ये सुबह की गोभी बची थी, हमने पराठे बनाए थे तो एक कटोरी बच गई थी, वो भी मैं बीच में ही डाल दूंगी। इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिर्च डाल दूंगी। तो ये सूजी के अप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बने भी बहुत टेस्टी थे, तो अब मैं मिर्ची डाल दूंगी। बच्चों को सरप्राइज देना चाहती थी मगर सरप्राइज तो बीच में ही रह गया, बीच में ही बच्चे आ गए तो सरप्राइज तो गया।
बच्चों को बहुत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि मैं अप्पे बना रही हूँ। तो बच्चे तो उछलने लग पड़े कि मम्मा जब तुम ठीक होती हो तभी ऐसे बढ़िया खाने बनाती हो। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, गर्म हो चुकी है। तो मैं सब में जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं अच्छी तरह से मैं इसे रिफाइंड के साथ ग्रीस कर दूंगी ताकि जो हमारे अप्पे हैं वो चिपके ना। तो अब मैं एक एक करके सब में भर दूंगी। जब ये थोड़े से पक जाते हैं तो बहुत बढ़िया खुशबू आने लगती है इनकी। तो ये देखिए मैंने सारे अप्पे हैं जो भर दिए हैं। इसे 10 से 15 मिनट तो लगते ही है क्योंकि ये बहुत ही सिम पर बनते हैं, तेज पर तो सड़ जाते हैं। एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को सरप्राइज दूंगी मगर बच्चे बीच में ही आ गए। उनको पता चल गया मम्मी अप्पे बना रही है। सरप्राइज की ऐसी की तैसी हो गई। बच्चे तो जब बच्चों को पता चला कि मैं अप्पे बना रही हूँ ना तो वो तो क्या कहते हैं छाले मारने लगे। छाले एक तरफ बन रहे अप्पे और एक तरफ बन रही मेरी रोटी। क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है सबका खाने पीने का। आप दिखा लीजिए। अभी खाने का टाइम हुआ तो ये भी आ गए। अप्पे बनाती पई हूँ मैं। अप्पे देखो मैं नहीं अप्पे से खाने वाला। रोटी दे। कहते कि अप्पे नहीं खाएंगे रोटी खाएंगे। आलू आए सब्जी मैं तो क्या कुछ और बनाया है। पौना एक हो गया। तो ये देखिए अप्पे मेरे एक साइड से बन गए हैं। जहाँ ज्यादा सेक लगती है वहां से ये 3 अप्पे मेरे ज्यादा रड़ गए थे तो साइडों के तो थोड़े कच्चे हैं। तो बस एक पलटी मारती है तो दूसरी पलटी में ये बन जाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि नीचे जाएगी रोटी। तो बच्चों को तो इंतज़ार नहीं हो रहा तो ये सॉस पड़ी है तो बच्चे सॉस के साथ खाएंगे। तो जब बर्गर या एग रोल लेकर आते हैं तो उसके साथ बहुत सारी ये पाउच दे देते हैं सॉस के। तो मैं ऐसे ही डब्बे में रख लेती हूँ। जब मैं घर की चटनी नहीं बनाती हूँ तो यही काम आते हैं। तो मेरा छोटा बेटे तो उस इंतज़ार हो ही नहीं रहा था। वो कहने लगा मम्मा जल्दी से दे दो। वो मुझे जहाँ कह रहा था मुझे सारे ही दे दो सारे ही दे दो। मैंने बोला कि तुम अकेले नहीं खाएगा बड़ा बेटा भी खाएगा। तो ये मेरा बड़ा बेटा अब इसकी बारी है। ये तो थोड़ा इंतज़ार कर लेता है। छोटा तो बिल्कुल भी नहीं उससे इंतज़ार होता कि कोई चीज़ बन रही है तो जल्दी से बस कहता है कि पहले मुझे दे दो। तो ये मैंने उसे दे दिए। मैं ना भूल गई थी कि अप्पो का बैटर कितना का बचा है। मैंने सारे पर ही ऑयल लगा लिया। बाद में देखा जी तो सिर्फ 3 या 4 ही बनेंगे। तो मैंने अब ये एंडले है क्योंकि जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो साथ ही साथ मेरे बच्चे चट करते रहते हैं। तो ये देखिए मेरी रोटी भी बन चुकी है। ये है शाम का टाइम 4 साढ़े 4 का टाइम है। तो मैंने जीवी गंध को फ्राई करना था तो सोचा पहले मैं
गोभी के पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि गोभी बहुत सस्ती हुई है, कभी परौठे कभी पकोड़े, तो मैंने गोभी के पकोड़े बना लिए। तो इसके बाद फिर मैं जीवी गंद को फ्राई करके रख लूँगी। ये बहुत टेस्टी बने थे, इसमें मैंने पुदीना डाला, धनिया मेथी और थोड़ी सी मिर्च मैंने तेज रखी क्योंकि जो गोभी के पकौड़े होते हैं वो थोड़ी मिर्ची तेज हो तो टेस्टी लगते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बने थे ये। तो एक बार के तो निकल चुके हैं, तो मैं सारे ऐसे निकाल लूँगी क्योंकि शाम के टाइम तो बच्चों को भूख लगती है, वो आते जाते खाते रहते हैं कुछ बना हो, तो मुझे ज़्यादा ही टेस्टी बने थे। छोटा बेटा तो कह रहा था मम्मी ऐसे तो शादी में मिलते हैं हलवाई बनाते हैं, तो मैंने कहा मैं कौन सी हलवाई से कम हूँ। तो ये देखिए इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, तो सभी के सभी चट हो गए। मैंने तो चाय बनाई थी, मम्मी डैडी ने चाय बहुत लेट पीनी थी तो मैंने फिर अपने लिए एक कप बना लिया था, तो मैंने चाय के साथ खाए तो मेरे पकोड़े जो बनकर तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। तो ये देखिए मैं इसे फ्राई करके रख दूँगी, मैं इसे सुबह को बनाऊँगी। तो मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जो नए आते हैं वीडियो देख कर ही चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कमेंट मत करिए क्योंकि ऐसे कमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फुल वॉच करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।